और करते रहेंगे और मैं आपको सबको बताऊं, आप सब मेरी जो भी बात सुन रहे हो सारे मुझे ईमानदारी और सच्चाई से बोलना। अगर पुलिस हमें उठाती है तो ये धरना बंद होगा? धरना आप करोगे? आप सब लीडर हो या नहीं? लीडर हो? जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी में ना वो बरसातों वाले नेता नहीं होंगे जो आते बरसातों और जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर को और धारा के बड़ी बड़ी बात हमने बड़ा कुछ बोल दिया। हमारे हुए ये हुए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को डर था, वही डर आपका दिखना चाहिए, वही करना चाहिए। मैडम तो चेयर पे बैठी हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे बाहर वो सामने कैमरे लगे हुए वहाँ से देख रहे हैं। डायरेक्टर मैम ये वही मैडम है जो पहले DSW भी देखी, बड़े हम्बल प्लाइट है मानता हूँ, लेकिन हम्बल और प्लाइट यहाँ पे तो दिखाओ, यहाँ पे आके तो बताओ ये आपकी बेटियां हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाइस चांसलर यहाँ पे तो बोल देते हैं बेटी बेटी बेटी, और जब बेटियां यहाँ पे खड़ी हैं तो पापा ही नहीं है, पापा गायब। तो अगर बच्चा बोलते हो तो बच्चों जैसा व्यवहार भी इन बच्चों के साथ। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। यूनिवर्सिटी हमारी आपकी। समय ये तस्वीरें आप डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और डिमांड की जा रही है ऑनलाइन एग्जाम्स की। डिमांड की नहीं जा रही, बड़ी देर से की हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने इन बच्चों के साथ धोखा किया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के छात्र हैं और ये डिस्टेंस डायरेक्टर एजुकेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, एनरोल्ड बच्चे हैं, और इन्हें कहा जाता है बच्चे यहाँ के विद्यार्थी ही नहीं, इनके पास एनरोलमेंट बुक्स ये देख लो, एनरोलमेंट देख लो, सारा कुछ है। और इन बच्चों ने एक बार जब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने कहा कि आपके पेपर भी सेम पैटर्न पे लिए जाएंगे जिस प्रकार रेगुलर बच्चों के। ये कब कहा गया इनको कि आप यहाँ पे एनरोल्ड ही नहीं है, आप यहाँ के स्टूडेंट ही नहीं है? रोज कहा जाता और आज फिर से कहा गया। आपने देखा होगा कि गेट बंद करना, आप मुझे बताओ पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर गेट बंद करना कहाँ पे जस्टिफाई? एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का गेट तभी बंद होता है या तो वो सील हो जाए, या तो डिमोलिश हो जाए, या तो परमानेंट बंद हो जाए। लेकिन ये इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रोका गया, और इन बच्चों की पहले से डिमांड थी, ये बच्चे पीसफुल माहौल चाहते हैं यूनिवर्सिटी के। क्या क्या जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने राइट्स लेने के लिए अब इस तरह का दौर आ गया है कि प्रदर्शन करेंगे और तभी उनको उनके जो हक मिलेंगे? इन विद्यार्थियों का कहना एक ही कहना है कि कंटेनमेंट जोन ना इन्होंने बनाए, ना हमने बनाए, ना आपने बनाए। कंटेनमेंट जोन बनाए हैं गवर्नमेंट ने,
और गवर्नमेंट कह रहा है कि इन एरियाज पे तार बंदी की जाए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए, तो यहाँ पे बच्चे कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि वो बच्चे हाल के अंदर अगर जाएंगे? आपको क्या लगता है कि ये फेलियर किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेलियर है, ये टोटल फेलियर है? ये जम्मू यूनिवर्सिटी की नालायक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर है। ये बच्चे अगर ऑनलाइन पेपर ये कंडक्ट करवाते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने दूसरे कोर्सेज का किया है, तो उसी तरीके अगर ये ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाते तो ये बच्चे तो पेपर दे दे रहे होते घर पे, ये तो धरना प्रदर्शन ही करते। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स भी हैं और घर से ये इसीलिए आते हैं ताकि ये पढ़े और कुछ जो है अचीव करके जाए, लेकिन यहाँ पर इनको द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अग्रवाल।